अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक दफ़ा फिर आप लोगों को रमज़ान करीम, और रमज़ान जो है अब बिल्कुल एंडिंग पर हैं और रुखसत हो रहे हैं। 10th या 8th 9th रोज़े जो है रह गए हैं और पता भी नहीं चला कि रमज़ान आए थे और जा रहे हैं। जिस तरह आने का शोर होता है, इस तरह जाने का थोड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि ये मंथ ऐसा होता है जिसमें हम पूरी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से अपने दुआ करते हैं, जो हमें चाहिए होता है अल्लाह ताला वो हमें दे रहा होता है इस मंथ में। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी हमने इबादत की है वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसका सवाब हमको भी मिले, जो मरहूमिन हैं उनको भी पहुँचे, और हमें सारा साल जो है ऐसी ही इबादत करने की जो है तौफीक अता फरमाए। और ये कि अब जो है ईद की तैयारियां हैं, सो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये भी एक इनाम होता है 30 डेज़ बाद। और ये कितना अच्छा गिफ्ट है कि हमें जो है फिर ईद मिलती है। सो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने गुलामत के आउटलेट मेरी मॉल में। और जो है हम जो है इस वक्त जो है रास्ते में हैं। आप जो है मेरे चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको पहुंच सकें। और मैं जो है आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी कि मैंने जो है क्या लिया है। सो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो बस हम जो है चलते हैं और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने जो है ईद की क्या क्या तैयारियाँ की हैं, क्या शॉपिंग की है और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। जी तो अब मैं जो है इस वक्त पहुँच चुकी हूँ मरीलिया मॉल, और मैं इस वक्त जो है गुलामत के आउटलेट पर हूँ। और मैं अपने लिए जो है देख रही हूँ कि मैं इसमें से जो है कौन सी कुर्ती लूँ, कौन से कलर में लूँ। सो मैं डिसाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा पिकी हूँ। पहले मैं सारा मॉल जो है घूमती हूँ, फिर जाके मैं कुछ जो है डिसाइड करती हूँ कपड़ों के मामलों में। और जो है ज़्यादातर जो है मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, क्योंकि ये ईजी होता है, कौन टेलर्स के चक्कर करे। और फिर टेलर ख़ास तौर पर ईद पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर ये रोज़ का उनके पास जाके खड़ा होना तो ये काम उससे नहीं होते। सो मैं ज़्यादातर वैसे भी जो है रेडीमेड ही लेती हूँ। सो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, और हमें ज़्यादा रश तो नहीं था, लेकिन टाइम जो है अराउंड 1:30 बज चुका था हमें। और बस मैं यही डिसाइड कर रही थी कि मैं क्या लूँ, और थोड़ा बहुत पहनने के बाद जो है मुझे कुछ अच्छा लगा। सो कहीं साइज़ का कोई प्रॉब्लम था, और मैंने जो है आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने अनस्टिच कपड़े भी देखे, बट अनस्टिच का वही बात आ जाती है कि टेलर्स के सिलवाने का इश्यू होता है, फिर इसलिए जो है मैंने अनस्टिच में से तो कुछ नहीं लिया। एक आध कुर्ती देखने के बाद जो है मुझे थोड़ी बहुत कुर्ती अच्छी लगी। सो मैंने जो है उसमें से एक रेड कलर की, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये जो है मैंने इसमें सेलेक्ट किया, रेड एंड ब्लैक। और फिर मैंने वहीं से जो है ब्लैक में दिखाऊंगी अभी आपको कि मैंने जो है ब्लैक ट्राउज़र जो है लिया है। सो अब हम जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। अब जो है बस मैं यहाँ पर जो है दुपट्टों की जो है अपनी मैचिंग देख रही थी, बट यहाँ पे जो है कलर का प्रॉब्लम है, सो वो नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा अब क्यों ना मैं जो है बाद में ले लूँगी, या फिर कोई घर में देख लूँगी अगर कोई कलर वाला दुपट्टा मुझे मिल गया तो। और अब जो है अराउंड हमारे 2:30 तो जो है बज चुके हैं। सो यहीं पे जो है सामने ही जो है लाविश रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना जो है कुछ खा लिया जाए, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो बस अब हम जो है ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर जो है 25 मिनट्स में वो कह के गए हैं आएगा। और यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो बस अब हम वो ऑर्डर करने लगे हैं, फिर खाना खाएंगे और बस घर चले जाएंगे, क्योंकि शादी का टाइम होने वाला है और तकरीबन जो है हो चुका है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्डर आ चुका है और फूड वॉज टू गुड। मैंने जो है चिकन कढ़ाई मंगाई थी, फरमाइशी नान मंगाए थे, खीर मंगाई थी और क्लब सैंडविच मंगाए थे। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और बस मैं जो है अब यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको फ़ौरन से मिल सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी फिर एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।